भारतीय सुरक्षा बलों ने पुंछ आतंकी हमले के सिलसिले में रविवार को 6 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें भारतीय वायुसेना के एक जवान की मौत हो गई थी। हिरासत में लिए गए लोगों में से एक की पहचान मोहम्मद रज्जाक के रूप में की गई, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने आतंकवादियों को भोजन और रसद सहायता दी थी। 35 वर्षीय राजमिस्त्री अब्दुल रज्जाक कथित तौर पर लश्कर ए तैयबा के लिए एक ओवरग्राउंड ऑपरेटिव के रूप में काम करता है। 2 दिन पहले उन्होंने सिनाई के पास उसके आवास पर पाकिस्तानी आतंकवादियों को दावत दी। इससे पहले विभिन्न आतंकी समूहों को साजो सामान सहायता प्रदान करने में उनके शामिल होने की खबरें हैं। पूछताछ के दौरान उसने इन गतिविधियों की बात कबूल की। यह घटनाक्रम तब हुआ जब सुरक्षा कर्मियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकवादी हमले के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों के नाके लगे हुए थे और इलाके में चेकिंग चल रही। पूरे इलाके की हवाई निगरानी के बीच भारतीय वायुसेना ने अपने कॉर्पोरल बेकी पहाड़े की शहादत के प्रति शोक जताया, जिन्होंने शनिवार शाम को हमले में लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। भारतीय वायुसेना के आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा गया था कि CAS एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और भारतीय वायुसेना के सभी कर्मी बहादुर कॉर्पोरल बेकी पहाड़े को सलाम करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में पुंछ सेक्टर में सर्वोच्च बलिदान दिया। शोक संतप्त परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना। हम दुख की इस घड़ी में आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। भारतीय सेना के अतिरिक्त बल शनिवार देर रात पुंछ में चर्रा वाली गली पहुंचे। पुंछ सेक्टर के सनाई गांव में घात लगाए किए हमले के बाद घायल जवानों को उधमपुर के कमान अस्पताल ले जाया गया। हालांकि घायल वायु सैनिकों में एक ने दम तोड़ दिया। हमले के तुरंत बाद स्थानीय राष्ट्रीय राइफल्स इकाई ने अपराधियों का पता लगाने के लिए सेना और पुलिस के सहयोग से आसपास के क्षेत्र में घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। IAF ने एक ट्वीट के माध्यम से घटना की पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि आतंकियों का निशाना बना काफिला सुरक्षित था और जांच चल रही थी। भारतीय वायुसेना के वाहनों को शासितार के पास सामान्य क्षेत्र में एयरबेस के अंदर सुरक्षित कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि पुंछ सेक्टर में सेना पर यह पहला हमला है। आपको बता दें कि पुंछ में पिछले 30 महीनों में आतंकियों की ओर से हमले की ये छठी घटना है। 2021 से शुरू हुई घटनाओं में अब तक 21 जवान बलिदान हो गए। इन घटनाओं में कई जवान भी घायल हुए। ये हमला पूरी प्लानिंग के साथ और घात लगाकर किया गया था। वाहन की सामने आई तस्वीर में शीशे पर 14 से 15 गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं। आतंकवादी हमलों के लगातार हो रहे इस सिलसिले को तोड़ने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस क्षेत्र का दौरा किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तब क्षेत्र का दौरा किया था ताकि नागरिकों को ये भरोसा दिया जा सके कि सेना उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए वहां मौजूद है। उसके बाद कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों को पुंछ से शिफ्ट कर दिया गया था और नागरिकों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए कमान में भी बदलाव किया गया।